14 साल का अरसा हो चुका है या 13 साल तो बिल्कुल कंफर्म है। इसी मस्जिद से सरजमीने मुंबई में मेरी शुरुआत हुई थी और इसी मस्जिद से बम्बई की अवाम ने मुझे जाना था। मुझे आज भी याद है कि बम्बई की सरजमीन पर मेरा पब्लिकली पहला जलसा इसी मस्जिद में हुआ था। बहुत सारे नौजवान बच्चे दिख रहे हैं जो उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे और गालिबा इस मजलिस में उस वक्त हाजिर भी नहीं होंगे क्योंकि बात 14 साल पुरानी है और मौजू था अकायदे सहाबा। बहुत इलमी मौजू था, इंटरनेट पर वो तकरीर आज भी मौजूद है और लाखों लोगों ने उसको देखा है। उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था तो बाज़ाब्ता सीडी बनाई गई थी उस तकरीर की और वो सीडी हज़ारों की तादाद में लोगों तक पहुंची। तो इस मस्जिद के इंतज़ामिया और हमारे अहबाब और इस मस्जिद का बिल्कुल मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि इसी मस्जिद से बम्बई की सरजमीन पर फिर मुझे जाना गया, पहचाना गया और फिर मुंबई से ही फिर पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों ने मुझे पहचाना। और फजल इलाही है कि कश्मीर से लेकर चेन्नई तक, कन्याकुमारी तो नहीं कहूँगा, चेन्नई तक, मतलब ऐसा शायद ही कोई सूबा और कोई इलाका हिंदुस्तान का बचा हो जहाँ मैं हाजिर नहीं हुआ, जहाँ मैं नहीं पहुँचा और जहाँ खिताबात नहीं हुए। ऐसी ऐसी जगहों पे जाने के मौके मिले कि जो कभी मेरे ख्वाबो गुमान में भी नहीं थे, जैसे चेन्नई की सरजमीन पर सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी अंसारी रदी अल्लाह ताला ने वहाँ भी हाज़िरी के मौके मिले। तो दुनिया भर में फिर लोगों ने जाना और पहचाना लेकिन इसी मस्जिद से मेरी शुरुआत हुई थी। और आज 14 साल के बाद जब इस मस्जिद में दोबारा लौटा हूँ तो महसूस तो ऐसा हो रहा है कि बस कुछ ही वक्त गुजरा है, कल ही की बात है कि ऐसी ही बज़्म सजी थी और लोग सुन रहे थे और मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा था। 14 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। बहुत ही ममनून मशकूर हूँ मैं अपने इन अहबाब का कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और इनकी दावत पर यहाँ हाजिर होने की सआदत मिली। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अहबाब अहले सुन्नत और इस मस्जिद के जितने भी ट्रस्टियान हैं, जितने भी हमारे मुहिब्बीन हैं, मुतालिकीन हैं, इन सब के उम्र में, इल्म में, रिस्क में, दीनी दुनियावी मामलात में बरकतें अता फरमाएं। आज का मौजू जो है वो हालात हाजरा के पेश नज़र जो दिया गया है मुझे वो है नामोस रिसालत सल्लल्लाहु ताला से। कुछ अरसे से ये लफ्ज़ बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत कानों तक पहुंच रहा है, नामोस, नामोस रिसालत। नामोस के मायने क्या होते हैं, क्या माना है इसके? नामोस के मायना होते हैं इज्जत व अजमत और ये लफ्जी लुगवी मायने हैं। इस्तलाह में जो अभी इस्तेमाल होता है जब कहते हैं नामोस रिसालत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और इज्जत, आपकी इज्जत के लिए जद्दोजहद करना, आपकी इज्जत और ताज़ीम का, आपके मनाकिब का, आपके फजाइल का इतराफ़ करना, दिलो जान से उसको कबूल करना। गोया दूसरे लफ्ज़ों में ईमान की जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानना और समझना। इसी नामोस रिसालत की तर्जुमानी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने यूँ की है कि अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक हदीस की तरफ इशारा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आला हज़रत ने दर हकीकत एक हदीस पाक को अपने अशारों में ढाल दिया है, बल्कि यूँ कहूँ मैं कि
हदीस जो अरबी में होती हैं, मतन अरबी को नसर की जो नसर थी उसको मंजूम की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में, अशारों में आला हज़रत ने इसको तर्जमा कर दिया है। और हदीस पाक ये हैं, सही बुखारी किताबुल ईमान में हदीस है और हदीस का नंबर 14 है। अनस इब्न मालिक इस हदीस के रावी हैं, बहुत सारे सहाबा इसके रावी हैं, अबू हुरैरा ने भी इसको रिवायत किया है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से भी रिवायत आई है, हज़रत अबू सईद खुदरी से भी आई है, मुतअद्दी सहाबा ने ये रिवायत को नकल किया। बुखारी में हदीस नंबर 14 में अनस इब्न मालिक से उनके अल्फाजों में ये रिवायत यूँ आई है कि सरकार ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। आकाने का तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे जितनी अपने माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा, अजीज़ों अकारीब से ज़्यादा, जब तक अपनी औलाद, माँ बाप, अजीज़ अकारीब, कराबतदार, इन सब से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। दूसरे लफ्ज़ों में मोमिन तब होगा कि माँ बाप से ज़्यादा रसूल की इज्जत, इज्जत रसूल नामों से रिसालत के मुकाबले में माँ बाप आ जाए तो इंसान उस वक्त माँ बाप को तर्क कर सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तर्क नहीं कर सकता। सरकार की मोहब्बत फ़र्ज नहीं है, मैं फ़र्ज लफ्ज़ कहूँगा तो ये छोटा लफ्ज़ है, ईमान की जान है, ऐन ईमान है, ऐन दीन है, ऐन इस्लाम है। मोहब्बत रसूल ना हो तो दीन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इंसान नमाजी हो सकता है, हाजी हो सकता है, परहेजगार हो सकता है, मुत्तकी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अपने गुमान में वो सब कुछ अपने आप को समझ सकता है, लेकिन अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो सिर्फ अगर वो नहीं होगा तो मोमिन नहीं होगा। और ये मैं नहीं कहता, कुरान अजीम इसके बारे में हमें हुक्म देता है और वही आयत करीमा मैंने खुतबे में इरशाद जो है तलावत की है, पारा नंबर 26 सूरह फतेह आयत नंबर 9, रब फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने फरमाई, तकाजा जो किया गया, मुतालबा जो किया गया वो है ईमान लाने का। और ईमान कब मुकम्मल है? अल्लाह के साथ रसूल पर भी ईमान लाना है। दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, अल्लाह को तो जानती है, अल्लाह को मानती है, रसूल की रिसालत का इकरार करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अकवाम हैं जो कहती हैं कि भाई अल्लाह एक है, हम मानते हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, लेकिन बात आ जाती है कि रसूल को क्या मानते हो, तो कहते मोहम्मद को तो हम नहीं मानते। कौम यहूद को देख लीजिए कि वो मूसा अलैहिस्सलाम तक तो मानने के लिए तैयार है, आगे रसूलुल्लाह तक आने के लिए तैयार नहीं। ईसाइयों को देख लीजिए, ईसा मसीह तक तो मानने के लिए तैयार है, रसूलुल्लाह तक आने के लिए तैयार नहीं। मुशरिकीन में भी एक तबका वो है जो कहता है कि ईश्वर एक ही है, खुदा एक ही है, मगर रसूल को रसूल मानने के लिए तैयार नहीं। मगर हकीकी ईमान रसूल ही को मानना है, हकीकी ईमान तो यही है। इसकी मैं दलील भी दे दूंगा आपको, शाह अब्दुल हक मोहद्दी से दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बर सगीर हिंदुस्तान के सबसे पहले वो मुहद्दिस है जिन्होंने इल्म हदीस को हिंदुस्तान की सरजमीन पर राइज किया है, पहले मुहद्दिस है जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फ़रोग दिया है। अपनी किताब मदारिज नबूवत में फरमाते हैं कि अगर एक शख्स को 1000 साल की उम्र दे दी जाए, हालांकि ये बईद है, इस दौर में मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं है। उर्फ में यह आमतौर पर मुश्किल है कि किसी की 1000 साल उम्र हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत चाहे तो 1000 क्या कयामत तक किसी को जिंदगी दे सकता है। तो अगर किसी की 1000 साल जिंदगी हो और वो 1000 साल तक तस्बीह लेके बैठ जाए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, शाह अब्दुल हक फरमाते हैं उसका इंतकाल हो गया, वो मोमिन नहीं होगा। 1000 साल तक भी अल्लाह के इकरार के बाद मोमिन नहीं होगा जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना करे। हकीकी ईमान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक फतवा पूछा गया, उलमा के माबेन एक बहस छिड़ गई और बहस का मौजू ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आका ने कहा कि मौत के वक्त जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा वो जन्नत में दाखिल होगा, उसकी शफात का मैं ज़ामिन हूँ। मौत के वक्त जो कलमा पढ़ के चला जाए,
बहस ये छिड़ी कि एक शख्स है जिसका इंतकाल हो रहा है और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा मुकम्मल कलमा पढ़ सके, सांसें उखड़ रही है, नजा का आलम है, सकरात का आलम है और सांस इतनी ही उसके पास बची हुई है, एक सांस है और एक सांस में भी सिर्फ इतनी सांस है कि वह अगर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और उसकी रूह निकल जाए, मोहम्मद रसूलल्लाह तक ना पहुंच पाए, या फिर कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे और ये कहे मोहम्मद रसूलल्लाह और उसकी रूह कब्ज हो जाए। तो उलमा से पूछा गया कि वो शख्स क्या करे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे कि मोहम्मद रसूलल्लाह कहे, तो उलमा ने मुत्तफिका तौर पर फतवा दिया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को तर्क कर दे और मोहम्मद रसूलल्लाह कहे, मोहम्मद रसूलल्लाह कहा तो उसका खात्मा ईमान पर माना जाएगा। वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और फिर मोहम्मद रसूलल्लाह का भी कायल हो, इसलिए कि जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हो और बाद में मूसा कलीमुल्लाह कहने वाला हो, मुमकिन है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो उसके बाद ईसा रूहुल्लाह कहने वाला हो, अगर वो ईसा रूहुल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, मूसा कलीमुल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, आदम सफीउल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहकर भी मरेगा तो मोमिन नहीं होगा, इस्माइल सबीउल्लाह कहकर भी मरेगा, किसी भी पैगंबर का वो कलमा पढ़े मोमिन नहीं होगा। इस वक्त शर्त ईमान रसूल पर ईमान लाना है, अगर मोहम्मद रसूलल्लाह ना कहा तो मशकूक है, उसकी मौत मशकूक, उसका ईमान मशकूक, मगर मोहम्मद रसूलल्लाह कहा तो जो मोहम्मद को रसूल मानता है वो खुदा का गद्दार हो नहीं सकता। अल्लाह का मानने वाला मोहम्मद का गद्दार हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला खुदा का गद्दार हो ही नहीं सकता। और जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो उसमें इलाहियत का वलूयत का इकरार आ गया, इसलिए क्यों कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह को माना तभी तो रसूल को रसूल कह रहा है, तो उसमें इकरार अल्लाह है। तो उलमा ने कहा कि उसको चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे और सिर्फ क्या कहे मोहम्मद रसूलल्लाह। तो पता चला कि मोहब्बत रसूल, रसूल की रिसालत का इकरार, रसूल पर ईमान, ये जाने ईमान है। तभी हमारे इमाम और मुजद्दिद ने यूं नहीं कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो रब इरशाद फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ऐ लोगो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। ईमान लाने के बाद क्या करो, नमाज पढ़ो कि बस ईमान लाए फौरन नमाज के लिए निकल जाओ, नहीं। दूसरा जो हुक्म सादिर किया जा रहा है वो ये कि व तो अज़रुहु व तो अक्रुहु, अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम करो, इज्जत करो, रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करो। वजह क्या है, ऐसी इबादत कि ईमान लाया इबादत में लग गया मगर ताज़ीम रसूल उसमें शामिल ना हो तो वो इबादत किसी काम की नहीं, वो मर्दूद मुंह पर मार दी जाएंगी। इबादत तब मकबूल होती है जब इबादत के साथ एहतराम रसूल हो, मोहब्बत रसूल हो, ताज़ीम रसूल हो। क्योंकि तारीख हमें बताती है कि एक ऐसा भी गुजरा जिसने बहुत इबादत की, इतनी इबादत की कि उसकी इबादतों का जब तखमीना निकाला गया, शुमार किया गया, एक एवरेज निकाला गया तो कहा गया कि 90 लाख साल इबादत की उसने। कितने लाख साल, 90 साल सही नहीं भाई, 90,000 दिन नहीं, 90,000 साल नहीं, 90 लाख, 90 लाख साल इबादत की और सिर्फ एक सजदे से इनकार किया। 90 लाख साल तो सजदे करता रहा, इबादत करता रहा, और जब रब ने कहा कि मेरा महबूब आदम है, मैंने आदम को पैदा किया है, बड़ी मोहब्बत के साथ उसकी तख्लीक की है, आदम को सजदा करो, सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए और उसने इनकार कर दिया। हालांकि मौलमुल मलाइका था, फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों को इबादत के रमूज और बारीकियाँ सिखाता था, फरिश्तों को तरबियत देता था, अल्लाह की वहदानियत तस्बीह और तहलील के तरीके बताता था, मगर आदम की ताज़ीम का इनकार किया और उसने कहा मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। और सजदा ना करने की इसका सबब क्या था, एहतराम रसूल दिल में नहीं था, इबादत का गुरूर था, अपनी तख्लीक का गुरूर था। कुरान अजीम बयान करता है वइस्कुलना लिल मलाइकति जुदू ले आदमा फसाजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ए हबीब जरा याद कीजिए, और हबीब को याद करके बताया जा रहा है, हबीब जो वाकया गुजर रहा था आपका नूर मौजूद था और इस वाकये को देख रहा था, आपको हम सिर्फ याद दिला रहे हैं कि आप मौजूद थे उस वक्त। ए हबीब जरा याद तो कीजिए उस वक्त को
जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा तुम सब आदम को सजदा करो, फसा जदू सब के सब सजदे में चले गए, इल्ला इबलीस, सिर्फ एक इबलीस था जिसने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? खालिक कायनात वजह खुद बयान फरमाता है, आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है, कोई चीज उससे छुपी नहीं। अबा वस्तकबरा, गुरूर किया, घमंड किया, वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया काफिरों में से। खालिक कायनात ने पूछा क्यों सजदा नहीं किया? मैं जानता हूं क्यों नहीं किया, मुझे मालूम है तूने सजदा क्यों नहीं किया, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। वजह यह है कि कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं बाद में जो तेरे चाहने वाले होंगे, तेरे मानने वाले होंगे, वो मेरी जात पर एतराज करेंगे कि इबलीस भी आलिम था, फाजिल था, खतीब था, मुनाजिर था, उसको भी तो मौका दिया होता तो अपनी सफाई में वो कुछ ऐसी बात कहता कि जिसका कायल माजल्ला अल्लाह को भी होना पड़ता। ये एतराज न रह जाए कि सफाई का मौका नहीं दिया गया, मैं तो जानता हूं तूने सजदा क्यों नहीं किया, मुझे पता है तेरे सजदा ना करने का सबब क्या है, वजह क्या है, तू अपनी जबान से बता ताकि वाजे हो जाए कि तू सोच क्या रहा है, तेरी फिक्र क्या है, तेरा गुमान क्या है। उसने कहा कि अल्लाह मैंने सजदा इसलिए नहीं किया कि तूने आदम को मिट्टी से बनाया है और तुम मुझे आग से पैदा किया गया है, आग की फितरत बुलंदी की तरफ उठना है, मिट्टी की फितरत पस्ती की तरफ आना है, मैं फितरत के एतबार से आदम से बेहतर हूं, अना खैरुन मिन, मैं उससे बेहतर हूं, मेरी तकलीफ उससे बेहतर हुई है, यानी वो मटेरियलों के तकाबुलों में गुम हो गया। बदबख्त ने यह ना देखा मसला तकाबुल का नहीं है, मसला मटेरियलों के कम और बढ़तर होने का नहीं है, मसला यही है कि अल्लाह जिसको जो इज्जत अता फरमाए उसके इख्तियार में है, जिसको जैसा चाहे वो मकाम अता करे, हुक्म इलाही को नहीं देखा, अपनी अक्ल और कयास को उसने दखलंदाजी दी और कयास की बुनियाद पे कहा कि आदम से मैं बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा आदम से बेहतर अपने आप को समझता है, हमारे नबी से, हमारे महबूब से ज्यादा तो अपने आप को ग्रेट समझता है। अब फखरुज निकल जाए जन्नत से, तो जन्नत से क्यों निकाला गया? ताजी में नबी का मुनकिर हुआ। यहीं से एक बात हमें पता चली कि अगर 90 लाख साल की इबादत भी हो और ताजी में नबी उसमें शामिल ना हो तो जन्नत से निकाल दिया जाता है। तो जो ताजी में नबी ना करे वो जन्नत से निकाल दिया जाता है, और जो ताजी में नबी और ताजी में रसूल, आदम के भी आकर मौला मुस्तफा की ताजीम ना करे वो जन्नत में कैसे जा सकता है? तो जन्नत उस पर हराम है कि जो रसूलुल्लाह की ताजीम का मुनकिर हो, आका की इज्जत और तौकीर ना करे, आका की इज्जत को और तौकीर को हल्का समझे। अल्लाह ने फरमाया है कि जब ईमान ला लिया तो तुम पर लाजिम है कि मेरे रसूल की ताजीम करो, इसलिए कि ताजीम रसूल की बुनियाद पर ही जो ईमान लाया है उसका तहफ्फुज हो पाएगा, वरना ईमान लाना आसान है मगर उसका तहफ्फुज मुश्किल है, और इसका तहफ्फुज तभी होगा जब तुम मेरे महबूब से वाबस्ता हो जाओ, मेरे महबूब की इज्जत और ताजीम करो। और उसके बाद फिर हुक्म इरशाद फरमाता है वह तुसब्बिहू बुकरतन वसीला, और अल्लाह फरमाता है कि सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बोलो, इबादत करो। तो इबादत को कब रखा गया? ताजीम नबी के बाद। इबादत से पहले ताजीम और तौकीर मुस्तफ़ा है, इबादत बाद में। पहले कहा कि इबादत करने से पहले मुस्तफ़ा की ताजीम का सलीका सीख लो, नबी से मोहब्बत पैदा कर लो, जब ये पैदा हो जाएंगी तो तुम्हारे सजदे नाकिस भी होंगे तो मैं कबूल कर लूंगा, तुम्हारी इबादत में कोताही भी होंगी तो मैं कबूल कर लूंगा, इसलिए कि मैं इबादत नहीं देखता, अपने महबूब की मोहब्बत देखता हूँ। मुझे इबादत से तुम्हारी क्या गरज, ऐसी मखलूक मैंने पैदा की जिनको तुम जानते भी नहीं, इतने फरिश्ते मैंने पैदा किए अपनी इबादत के लिए जिनकी तादाद तुम्हें पता भी नहीं। अगर मुझे इबादत करवाना ही मखसूस होता मैं और मखलूक पैदा कर लेता, मैंने तुम्हें जो खसूसी तौर पर पैदा किया इसलिए कि तुम ताजी में मुस्तफ़ा करो, तुम्हारा काम ही यही है कि मेरे महबूब से मोहब्बत का इजहार करो, कि मोहब्बत रसूल से ज्यादा पसंदीदा कोई अमल मेरे नज़दीक है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर पसंदीदा कोई अमल है तो महबूब से मोहब्बत है, और क्यों पसंद है? अरे मैं खुद मुस्तफा से मोहब्बत करता हूं, जब मैं खुद महबूब से मोहब्बत करता हूं तो फिर तकाजा है मेरा कि हर कोई मेरे महबूब से मोहब्बत करे। तो असल तो मकसूद ये है, इबादत तुम्हारे दर्जात बढ़ाएगी। याद रखिए इबादत की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, हालांकि मौका नहीं है लेकिन मैं फिर भी अर्ज करूंगा ताकि मसला और वाजे हो जाए कि वो जमातें जाहिल हैं, गवार हैं, जिन्होंने इबादत को नजात का मयार बना रखा है, वो दीन से दूर है,
तालीमात मुस्तफ़ा उनको तक पहुंची नहीं है हकीकत में, वो समझ नहीं पाए हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को। उन्होंने साहब तालीम में मतलब इबादत को इतना अहमियत दे दी है कि इबादतों के लिए वो चिल्ले करने लगे हैं, दर बदर भटकने लगे हैं साहब, बोरे बिस्तर लेकर घूमने लगे हैं, और उन्होंने इबादत को मयार बनाया। जबकि सही हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने इसको नकल किया और भी मुहद्दिसीन ने नकल किया, आका ने फरमाया कोई जन्नत में अपने अमल के सबब नहीं जाएगा। कोई ये किससे मुखातिब हो रहे हैं आका? आपसे और हमसे नहीं, उन सहाबा इकराम से कहा जा रहा है कि कोई इबादत के बल पर नहीं जाएगा, जिनके बारे में आका ही कह रहे हैं कि मेरे सहाबा का अमल वो है कि मुझे सहाबा में से कोई एक सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, और तुम में से कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, तुम मकाम और दर्जे में मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। उन सहाबी से मुखातिब हो के आका कह रहे कि कोई इबादत के बल पे नहीं जाएगा, जिनके बारे में हदीस आता है, मिश्का शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला ने कहते हैं कि अगर कोई गैर सहाबी कयामत तक की उसको जिंदगी दे दी जाए और वो कयामत तक कयाम की हालत में गुजार दे, यानी नमाज पढ़े और नमाज में पूरी जिंदगी खड़ा ही रहे, सजदा भी ना करे, रुकू भी ना करे, बस खड़ा है और तिलावत करे जा रहा है, खड़ा है कयाम में, पूरी कयामत तक वो गुजार दे, और रसूलुल्लाह का एक सहाबी तकबीर उला पुकारे, कानों तक हाथ लाए, अल्लाह अकबर कहे, और जितनी देर वो सूरह फातिहा पढ़ता है और उसके बाद रुकू में चला गया, वो जो वक्त है तुम्हारे कयामत तक के वक्त और कयाम के बराबर नहीं हो सकता। तुम्हारा कयामत तक का कयाम और सहाबी का एक घड़ी का कयाम, वो तुमसे हजार दर्जे अफजल और फौकियत रखता है। ये वो सहाबा जिनकी इबादतों का ये मयार है, ये वो सहाबा इकराम के दुनियाए आसमान ने, जमीन व आसमान ने ना ऐसी शख्सियात पहले देखी, ना कयामत तक ऐसी शख्सियात आसमान देखेगा। उनसे रसूल कह रहे हैं कि तुम में से कोई अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। बात सहाबा तक ही नहीं रुकी, एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते, या रसूल्ला क्या आप भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? जबकि रसूल का अमल ही शरीयत होता है, रसूल जो कुछ करे वो शरीयत है, रसूल की हर अदाओं का नाम सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करना जन्नत में जाने का सबब है। मगर सहाबी पूछ रहे हैं, जुरत कर ली उस सहाबी ने, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप भी जन्नत में अपने अमल के सबब नहीं जाएंगे? आका ने फरमाया मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरा अमल भी मुझे जन्नत में नहीं ले जाएगा। याद रखिए, जब नबी कह रहे हैं, हालांकि नबी का हर अमल मकबूल है, कबूल है, नबी का अमल ही शरीयत है, नबी का अमल ही हुज्जत है, नबी का अमल ही दीन है, मगर आका तब भी कह रहे हैं कि मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा। जब नबी ये कह रहे हैं कि मैं अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा, तो कितने जाहिल है जो अपनी नमाजों को जन्नत का मेयार और दलील समझते हैं, अपने चिल्लों को शुमार करते हैं कि चार चिल्ले हो गए तब जन्नत तो हमारे बाप की हो गई है, और मोहब्बत रसूल की बात आए तो वहां फिर तावीले निकालते हैं। अभी हाल ही में एक साहब ने गुस्ताखी की थी पाकिस्तान के कुरान को लेकर, रसूल को लेकर, उस पर कुछ जाहिलों ने उसका दिफा शुरू किया, तो उसके जब रद में मैंने एक तकरीर की, इंटरनेट पर तकरीर मौजूद है, नागपुर ही की सरजमीन पर किया, मैंने उसमें एक जुमला कहा कि तुम में और हम में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है, वो ये कि हम अजमत मुस्तफ़ा के लिए लड़ते और तुम अपने मौलवी के दिफा के लिए लड़ते हो। हमारे नज़दीक मोहब्बत रसूल के मुकाबले में कोई मौलवी क्या, माँ बाप हैसियत नहीं रखते तो मौलवी की क्या हम दिफा करें, मगर तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम मुस्तफ़ा की अजमत और तौहीन गवारा कर ले होते हो अजमत के बरखिलाफ, लेकिन अपने मौलवी का दिफा करते, अपने मौलवी की तौहीन और अपने मौलवी के बारे में सख्त कहे हुए जुमले तुम्हें गवारा नहीं होते, ये तुम्हारी बदनसीबी है। आका कहते हैं कि कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा, हत्ता कि मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊँगा, जन्नत में वही जाएगा जिस पर मेरा रब फजल फरमा दे। जो भी जन्नत में जाएगा अल्लाह के फजलो करम से, और अल्लाह का फजलो करम किस पर होगा? उसी पर होगा जो मुस्तफा से मोहब्बत करता होगा।
क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अले अल खसाइसुल कुबरा में हदीस पाक लाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हदीस कुसी में कि महबूब मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, अगर कोई मेरी शान में तौहीन कर दे लेकिन कोई अच्छा अमल कर ले और उस अमल से मैं खुश हो जाऊं तो मैं उसके उस गुनाह को जो उसने मेरी तौहीन की थी, जो उसने मेरी बुराइयां की थी, मैं उसको दरगुजर करके तौफीक ईमान और तौफीक हिदायत दे देता हूं, उसको तौफीक दे देता हूं तौबा रुजू की, क्योंकि दिलों को पलटाना मेरे अख्तियार में है। मैं जिसका दिल चाहता हूं पलटा देता हूं, जिसका दिल चाहता हूं अपने से फेर देता हूं, जिसको चाहता हूं अपनी तरफ रागिब कर देता हूं। तो अगर वो अच्छा अमल कर ले मैं राजी हो जाऊं तो मैं उसका दिल फेर देता हूं, हिदायत की तरफ उसको गामजन कर देता हूं। लेकिन ऐ मेरे महबूब मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है कि जो तेरी शान में अदनासी भी गुस्ताखी करता है मैं कयामत तक उसके लिए तौबा के दरवाजे ही बंद कर देता हूं, उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। उसी को हालत कहते हैं कि इनके बारे में कहा गया खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, वाला समीहिम इनके कानों पर पर्दे डाल दिए गए, बहरे बना दिए गए, हक सुनते नहीं, वबसारिहिम आंखों के सामने घटा टूब इनके अंधेरा है, गिशवतु वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ये वो लोग हैं जो फिर गए, आने वाले नहीं, पलटने वाले नहीं, इन्हीं के लिए दर्दनाक अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है। जब नबी की तौहीन कर लेता है कोई तौफीक इलाही सलब हो जाती है, और ऐसी सलब होती है कि आका के खिताब करके रब फरमाता है हबीब मैं अपने गुस्ताख को माफ कर सकता हूं, तेरे गुस्ताख को माफ नहीं करूंगा, और ऐसा कि मैं तुझसे वादा करता हूं इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंजरतुहुम अम लम तुंजिरहुम ला युमिनून, ऐ हबीब जिनकी किस्मत में हमने कुफर लिख दिया बराबर है, चाहे आप उन्हें समझाए चाहे न समझाए वो ईमान लाने वाले नहीं, हमने उनसे तौफी की सलब कर ली है। तो याद रखिए कि रसूलुल्लाह की बारगाह की गुस्ताखी बहुत ही खतरनाक अमल होता है जिससे तौफी के तौबा सलब कर ली जाती है। कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत का दुखूल जन्नत का दाखला ईमान की बुनियाद पर है, और ईमान क्या है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये ईमान की सबसे पहली चीज़ है, ये जाने ईमान है। और इबादत जो हम करते हैं इसका फायदा क्या है, क्या फिर जब जन्नत में जाना ही नहीं है, नमाज अगर जन्नत में नहीं ले जाएंगे, रोजे नहीं ले जाएंगे तो फिर नमाज क्यों पढ़े, रोजे क्यों रखे, जी नहीं, ये आमाल आपका दर्जा मुतय्यन करेंगे कि जन्नत के किस दर्जे में आपको रखा जाए। आमाल दर्जात के तायुन के लिए है, लेकिन जन्नत का दाखिला मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर है। अरे रसूल की मोहब्बत तो बहुत बुलंद है, बात चल रही है, बात आ गई जहन में, बता दूं इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैथमी रहमतुल्लाह अलैह असवाइकुल मुहरिका में नकल करते हैं, और इसको दिगर और अइम्मा ने बाद अइम्मा ने इसको निकला है, जैसे हजरत इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर रियाजुन नजीरा में लिखा है इस रिवायत को कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक अली को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मौला अली ने कहा अबू बकर अमरुल मोमिन आप मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कहा कि अबू बकर अली एक बात मुझे एक हदीस याद आ गई आज तुम्हें देखकर, कामरुल मोमिन क्या हदीस याद आई, कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना आका ने कहा कि जन्नतियों का फैसला अमल की बुनियाद पर हो जाएगा, अमल तोले जाएंगे मीसान पे, नेकियां ज्यादा होंगी, रब फरमाएगा जाओ इसे जन्नत में ले जाओ, मगर जब जन्नत में ले जाया जाएगा तो दरोगा जन्नत रिजवान को हुक्म होगा कि अली की मोहब्बत का परवाना पूछे, दाखिले के लिए पास चाहिए, जब फ्लाइट का सफर करते हैं उनको पता है कि आपके पास टिकट हो उससे कुछ नहीं होता जब तक बोर्डिंग पास ना हो, ट्रेन में चल जाता है आप मोबाइल में टिकट दिखाएं चल जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट पे जब तक बोर्डिंग पास ना हो तो टिकट आपका कोई काम का, टिकट से आप गेट के अंदर जा सकते हैं लेकिन फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, मंजिल तक जाना है तो बोर्डिंग पास चाहिए, तो मंजिल जन्नत है, जन्नत तक जाना है प्रवास करते हुए तो उस फ्लाइट के लिए अली की मोहब्बत का बोर्डिंग पास चाहिए, डर हो गए जन्नत पूछेगा ठहर जाओ, जन्नत का फैसला अमल की बुनियाद पर हो गया, मगर अमल तो तुम्हारे जन्नत में दर्जा मुतय्यन करने के लिए, दुखूल के लिए मोहब्बत अली चाहिए, परवाना लाए हो अली की मोहब्बत का, जन्नती कहेंगे ये क्या होता है, कहेंगे जाओ अली से लिखवा के लाओ कि तुम अली से मोहब्बत करते थे, वो जन्नती अली की बारगाह में हाजिर होगा, फरिश्ते उसको अली तक पहुँचाएंगे और कहेंगे ऐ मौला अली दुनिया में मैं आपसे मोहब्बत करता था, जन्नत का परवाना अता कीजिए,
मौला अली उसको परवान अता करेंगे। अली की बारे में, इस फजीलत के बारे में अबू बकर हदीस बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि अली तुम वो हो कि तुम्हारी मोहब्बत के सबब इंसान जन्नत में जाएगा, जिसके दिल में मोहब्बत ना हो वो जन्नत में ना जा सकेगा। ये बात मुझे याद आई इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इतना कहकर तो अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए। मौला अली कहते हैं कि या अबा बकरीन है अमरुल मोमिन, या तो आप इसके बाद की हदीस जानते नहीं या बतौर इनकेसारी और आजिजी आप खामोश हो गए हैं। तो आपने कहा कि अली तुम जानते हो तो तुम बयान कर दो। मैंने जानता तो हूं लेकिन कहना नहीं चाहता। आदमी अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद करना पसंद नहीं करता। तो मौला अली ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक है अमरुल मोमिन, बात की हदीस यह है कि आका ने मुझसे मुखातिब होके कहा, ऐ अली जब जन्नती तुमसे जन्नत का परवाना मांगने आए तो याद रखना है कि जन्नत का परवाना उसे हरगिज हरगिज ना देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। जन्नत का परवाना उसे ही देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक हो। तो पता चला कि इस बोर्डिंग के लिए भी जो एफिडेविट वो चाहिए, मतलब उसके लिए क्या बोलना चाहिए कि स्टैम्प बोल सकते हैं या लीगल तभी मानी जाएंगी। आप बोर्डिंग पास अगर अपने घर से प्रिंट आउट लेके ले चले जाएं तो वो बोर्डिंग चलेगा नहीं, वो उस पर बार कोड चाहिए। बोर्डिंग पे बार कोड होता है, देखा हूँ आजकल। जब बार कोड जैसे ही वो बोर्डिंग लगाया उसने मशीन में तो पता चलता है कि हाँ आदमी लीगल है। आजकल तस्वीर भी आ जाती है सामने आपकी, आपने जो प्रूफ दिया तस्वीर भी आ जाती है, आपका नाम आ जाता है, आपकी एज आ जाती है और फिर वो चेहरा मिलाता है, यही बंदा है कि दूसरा है। तो बारकोट हो तो ये पता चला कि बोर्डिंग पास तो अली की मोहब्बत है और उसका बारकोट क्या है, मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक है। तो जब अबू बकर सिद्दीक और अली की मोहब्बत ना हो तो जन्नत में नहीं जा सकता। तो जो अली और अबू बकर के भी आका है, जो उनके भी मौला है, जो उनके भी मलजावा है, उनकी मोहब्बत ना हो तो जन्नत में कैसे जा सकता है। भाई एक ऐलान आया है, गेट के सामने किसी साहब की गाड़ी लगी हुई है जिसका नंबर 1469 है। उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो वहाँ से, रेलवे का गेट है वहाँ से हटा दें, इससे पहले कि पुलिस वाले आके उनको परेशान करें, वो खुद ही अपनी गाड़ी हटा लें तो बेहतर है, वरना चालान वालान भी हो सकता है। ये गाड़ी का नंबर 1469 है। गाड़ी कौन सी ये नहीं लिखा है, बाइक है कि गाड़ी है पता नहीं। बहरहाल जिसकी भी गाड़ी का नंबर है वो अपनी गाड़ी हटा लें। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहब्बत रसूल जन्नत में जाने की जमानत है। और ये मोहब्बत रसूल है क्या, ये नामूसी रिसालत है क्या जिस पर अहले सुन्नत इतना जोर देते हैं। याद रखिए, मोहब्बत रसूल ना हो तो रिश्तेदारी भी काम नहीं आती। तारीख हमें बताती है कि एक नबी का सगा रिश्तेदार है जिसका नाम अबू लहब है, हुजूर का चचा है, मगर मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है, उल्फत रसूल नहीं है, नबी की तौहीन करता है, नबी पर ईमान नहीं लाया, हुजूर को सताता रहा, परेशान करता रहा, मर गया। कुरान अजीम उसकी मजम्मत में नाजिल हुई आयतें, सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और उसके हाथ टूटी गए। ये मजम्मत कुरान ने बयान की, उसके अजाब का जिक्र किया, पूरे सूरह लहब पढ़ लीजिए। उसकी बीवी की मजम्मत है कि वो हुजूर को माजल्ला कत्ल के इरादे से पत्थर लेकर आई। बीवी की भी है कि उसकी बीवी ने क्या किया, जो लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए हैं। का कुरान अजीम उसके अजाब की बात करता है। रसूल का सगा चचा है, हुजूर का खानदान वाला है, हुजूर का खून है, वही खानदान और वही खून है जो खून और खानदान रसूलुल्लाह का है, मगर मोहब्बत रसूल नहीं, उसके सबब नतीजा हुआ कि जहन्नम में चला गया। मगर तारीख एक दूसरा मंजर दिखाती है कि एक फारस का रहने वाला फारसी नस्ल शख्स है, नाम और उसका दुनिया उसको सलमान फारसी के नाम से जानती है। रिवायतों में इख्तलाफ है कि किस उम्र में ईमान लाए, बाद ने कहा 150 साल की उम्र थी जब ईमान लाए, बाद ने 300 साल तक उम्र बताई, लेकिन एक औसत उम्र उनकी 150 साल बताई गई। ज़ईफ़ुल उमरी में ईमान लाए, कई मजाहिब में रहे, ईसाई रहे, यहूदी रहे, पहले यहूदी थे फिर ईसाई हुए फिर इस्लाम लाए, तीनों आसमानी मजहब पर ईमान लाने का इत्तेफाक हुआ। रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत कि सरकार को छोड़ते नहीं थे, हुजूर के इर्द गिर्द ही रहते। मोहब्बत रसूल, अहले बैत से इतनी मोहब्बत कि खातून जन्नत के घर के दरबान बन के पड़े रहा करते थे,
हाँ तूने जन्नत घर के जो भी काम बताती काम बजा लाते, हसन है इनको, हसन और हुसैन को खिलाते पिलाते गोद में लेकर घूमते मोहब्बत। वो एक मौका आया कि उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं कि आका एक बार अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए और एक आप चादर ओढ़े हुए थे, उस चादर में तभी आपने देखा इमाम हसन आए चादर में दाखिल कर लिया, फिर इमाम हुसैन आए रसूलुल्लाह ने फदखला उनको भी दाखिल कर लिया, मौला अली आए उनको भी चादर में दाखिल कर लिया, फिर सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई उनको भी दाखिल कर लिया। चादर अकदस में 5 तन थे, एक था तने मुस्तफ़ा सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, तन कहते हैं जिस्म को, एक तने मुस्तफ़ा है चादर में, एक तने मौला अली है, एक तने सैयदा फातिमा है, एक में तने हसन है तने हुसैन है, 5 तन मिलते हैं तो ये हो जाते हैं पंजे तन। और एक लफ्ज का इजाफा फिर हम करते हैं पंजे तने पाक, आज तक ये चिल्ला काट के समझ ना सका कि ये पंजे तने पाक लाया कहां से गया। अहले सुन्नत का कोई अकीदा और कोई नजरिया कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे सारे मामला सारे इतकादा सारे नजरिया सारे अफकार सब कुरान और हदीस से माखज़ है, वहीं से लिए गए हैं। ये है पंजे तन 5 तन और पाक कुरान कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज़्ज़ाहिलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, ऐ नबी के घर वालों अल्लाह तो ये तुमसे चाहता है कि हर नापाकी को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमा दे, तुम्हें पाक फरमा दे। तो ये हो गए पंजे तने पाक, और इनको लेकर आका आसमान की तरफ निगाह उठाते और उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला ना फरमाती उम्मुल मोमिन आका ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैती, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरे घर वाले हैं, मेरे अहले बैत है मेरे घर वाले हैं, ऐ खुदा तू गवाह है। सलमान फारसी खड़े थे रोने लगे आंखों में आंसू आ गए, ऐ अल्लाह के नबी आपने अपने घर वालों से मुझे जुदा कर दिया, क्या मैं आपका घर वाला नहीं हूं? आपने कहा सलमान गम ना करो तुम भी चादर में आ जाओ, सलमान और मिन्ना सलमान भी हम ही में से है, मोहब्बत रसूल ने खैर को अहले बैत में शामिल कर दिया और दुश्मन बुग्ज रसूल ने जो घर वाला था उसको तब्बत यदा अभी लह भी हुआ तब फरमा दिया। तो मोहब्बत रसूल गैरों को अपना बना देती है और मोहब्बत रसूल ना हो तो अपने भी पराए हो जाती है, इसलिए हमारा सारा मैार नामों से रिसालत पर है, हम रिश्तों के मैार खून पर नहीं रखते मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर रखते हैं, हम खून के रिश्ते को बाद में देखते हैं पहले हम मोहब्बत रसूल का रिश्ता देखते हैं। और यही सहाबा इकराम में था, इसी को आला हज़रत ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। आलत कहते हैं कि मैं इस इश्क पर जो इश्क मुस्तफ़ा जो मैंने अपने सीने में बसा रखा है जो अपने दिल में बसा रखा है जो मैंने अपने रूह और जिस्म में सजा रखा है, ये ऐ इश्क मुस्तफ़ा मैं तेरे सदके ना चले जाऊं, मैं तुझ पर वारी ना हो जाऊं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जहन्नम की आग से कितने सस्ते में छूट गए, कितना सस्ता सौदा हुआ, मोहब्बत रसूल किया और मोहब्बत रसूल की इश्क रसूल की आग सीने में भड़काई तो नतीजा क्या हुआ, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाई है, जो जहन्नम की आग को बुझा देंगी इश्क मुस्तफा की वो आग मैंने अपने सीने में धड़काई है कि ये आग उस आग को बुझा देंगी। अब देखिए नारा लग रहा है इश्क ओ मोहब्बत, जिसने उम्मत को इश्क सिखाया उसका नाम ही इश्क ओ मोहब्बत पड़ गया, जो इश्क सिखाए तो वो इश्क ओ मोहब्बत का इमाम बन जाए। तो मोहब्बत रसूल इश्क रसूल क्या शय है अंदाजा लगाइए कि तैबा ना सही अफजल मक्का ही सही है जाहिद, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं बात क्यों बढ़ाई, हम तो इश्क के मानने वाले। तो ये कितनी लाजिम चीज है, आइए मैं मतन के साथ हदीस पढ़ू, सही बुखारी की हदीस है ये, सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन और सबसे सही किताब मानी जाती है अहले सुन्नत में, किताबुल ईमान और बाब है कैफा अंता यमनुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 6632।
عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب. حضرت عبد الله بن هشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے, آقا کی خدمت میں ہم صحابہ حاضر تھے, تبھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ لیا. عمر ابن خطاب قریب بیٹھے تھے امر المومین, ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کا ہاتھ پکڑنے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ فرمایا, اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. عمر کا انتخاب کیوں کیا پورے صحابہ کی جماعت میں؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں قلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قلنا یہ جمع کا صیغہ ہے, ہم صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے, تو صحابہ کی ایک کثیر جماعت تھی, سارے صحابہ کو چھوڑ کر عمر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ عمر ابو بکر تو وہ ہیں کہ سرکار کہتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلے میں رکھ دو, دوسرے پلے میں ابو بکر کا, تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے, مگر ابو بکر کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ عمر ہے. اور فضیلت کا معیار کیا ہے کہ حضور کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا, لہذا جو عمر کے ابو بکر کے بعد حضرت عمر جو سب سے افضل تھے انہی کا انتخاب کیا کہ اس عشق مصطفیٰ کی اہمیت سب پر واضح ہو جائے. عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور نے کہا کہ عمر کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو. فقال له عمر, حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ کتنی محبت کرتے ہو, تو حضرت عمر نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کے عرض کرتے, یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی, اے اللہ کے نبی میں ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے, جان سے جان کو چھوڑ کر, مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر باقی دنیا کی جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مطلب میں آپ کے لیے اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں, اپنا مال قربان کر سکتا ہوں, اپنی دولت قربان کر سکتا ہوں, اپنی عزت قربان کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی جان سے مجھے اپنی محبت ہے, جان سے زیادہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی کن احب الیک من نفسک, کہ عمر نہیں اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں, جس کے قبضے قدرت میں محمد میری جان ہے, اگر تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تم مومن نہیں. یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. پتہ چلا کہ درجہ مقام اپنی جگہ, لیکن محبت رسول اللہ ہو تو اتنی بلندی کے بعد بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. عمر عمر ہو لیکن اس کے بعد بھی محبت رسول لازم ہے, اور عمر کی کیا حیثیت ہے اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا, جن سے تقابل کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ بہرحال حضرت عمر صحابی ہے, نبی کے درجے پر نہیں ہے, نبی کا مقام صحابی سے بڑا ہوتا ہے. آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد موسیٰ کو تم پاؤ اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو اختیار کرو تو گمراہ ہو جاؤ, موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں, موسیٰ کو بھی مجھ سے محبت کرنی پڑے گی, میرے دین پر قائم ہونا پڑے گا, میری شریعت کو اپنانا پڑے گا. تو موسیٰ کے سامنے حضرت عمر کی تو وہ حیثیت نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کیونکہ وہ نبی ہے یہ صحابی ہے. آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اے عمر بالکل نہیں, ایمان مکمل نہیں ہے اس وقت کے جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ ہو, حتیٰ کہ اکونا حبا, جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو ایمان مکمل نہیں ہے. فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر نے پھر حضور سے عرض کیا فَإِنَّهُ الْعَانَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِي, اے اللہ کے نبی قسم خدا کی میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. ملا علی قاری اس حدیث کی شرح کرتے بیان کرتے کہ جب عمر نے کہا تھا تو کیفیت یہی تھی کہ رسول سے زیادہ جان عزیز تھی, مگر جب رسول کا کرم ہو گیا, نگاہ الفت و محبت عمر کے سینے پر پڑی اور آقا نے اسی وقت ایمان سے سینہ عمر کو لبریز کر دیا, کیفیت اسی وقت عمر کی بدل گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر, کا عمر اب تو ایمان مکمل ہوا ہے, اب ایمان مکمل ہوا ہے. پتا چلا کہ جب تک رسول اللہ سے محبت بہت زیادہ نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی اور ان کا کردار دیکھیں,
मोहब्बत रसूल में सरशार थे, बल्कि हर सहाबी रसूल मोहब्बत रसूल का अपने आप एक मुजस्समा था। अगर इश्क रसूल को मुजस्सम कर दें तो वो सहाबा की शक्ल में आपको नजर आए। और इस तरह हदीसों में कसीर वाक़यात आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत के सहाबा के मिलते हैं। चुनांचे देखें आप सही बुखारी किताबुल वुज़ू हदीस नंबर 187 और इमाम मुस्लिम ने भी किताबुस सला बाब सुतरतुल मुसल्ला हदीस नंबर 1006 इब्न हिब्बान ने अपनी सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 2394। ये तमाम मुहद्दिसीन रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत करीमा थी कि बिलाल अजान देते 5 वक्त की, अजान के बाद हुजूर कुछ वक्त पहले जब जमात का वक्त हो जाता सरकार सुन्नत अपने हुजरे में अदा फरमाते थे। बहुत कम होता कि आप मस्जिद नबी में आके सुन्नत अदा करते, हुजूर जो सुन्नत पढ़ते अक्सर अपने हुजरे में पढ़ते, और बिल्कुल थोड़े वक्त पहले आप बाहर तशरीफ लाते और आने के बाद जो है वुजू के लिए आपको पानी दरकार होता तो आवाज देते बिलाल वुजू के लिए पानी लाओ। हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला नो लोटे में पानी लाते, लाने के बाद जब हुजूर को वुजू कराने लगते सहाबा की निगाह हुजूरी को तलाश कर रही होती कि बिलाल ने अजान दी सरकार बाहर आएंगे वुजू करेंगे फिर अपने हुजरे में जाएंगे सुन्नत अदा करेंगे फिर जमात से नमाज पढ़ाने आएंगे। ये तरीका था सरकार का, मस्जिद नबी सरकार का हुजरा लगे लगे हुए थे। तो बिलाल लोटे में जैसी पानी आते तो सहाबा क्या करते हुजूर के चारों तरफ घेर लेते हुजूर को चारों तरफ से, और जैसे ही हजरत सैयदना बिलाल पानी डालना शुरू करते नबी पाक अपने दस्ते मुबारक को धोते और वो पानी आपके दस्ते मुबारक को मस करके जमीन की तरफ बस आ ही रहा होता इससे पहले कि उस जमीन पर पानी के कतरात गिरे बेशुमार सहाबा कराम के हाथ आते और उस पानी के कतरों को अपने हाथों और हथेलियों पर ले लेते, उस पानी को भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे वो। और फिर वो क्या करते उस पानी को चेहरे पर मलते बदन पर मलते। कट्टर बरेलवी थे सहाबा कराम। आज अगर वहाबी उस दौर में होता तो सहाबा को बिदती बोल देता, ये तो बहुत बड़े बिदती है। ये भी कोई बात हुई 5 वक्त और कोई काम धाम ही नहीं है इनके पास, बस पानी से अपने आप को चिमटाते रहते हैं लपेटते रहते हैं चिपकाते रहते हैं, ये क्या बात हुई। चलो यहाँ तक तो ठीक था भाई साहब, अब आइए दूसरी हदीस सुन लीजिए आप। इमाम बुखारी ने तो कमाल कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ मौका मिल नहीं रहा है, अल्लाह ताला आपकी और हमारी उम्र में बरकतें दे, वो मौके आएंगे जो बोलना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ उसकी वक्त मिले हमें। एक ऐसा मैं सेशन लेना चाहता हूँ कि जिसमें सिर्फ बुखारी हो बाकी कोई किताब नहीं, और मौजू हो कि इमाम बुखारी सबसे पहले बरेलवी। जिन अकायद नज़रियात को आप बरेलवियत कहते हो वो सारे अकायद नज़रियात आपको इमाम बुखारी में मिलेंगे। चलो वुजू का पानी समझ में आता है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे आशिक होंगे पीर साहब ने हाथ धोया आपने पानी पी लिया पानी बदन पे मल लिया, होता है बहुत सारे मैंने देखा है भाई पानी पिया जैसी छोड़ा पीर साहब का छोड़ा हुआ पानी है लोग टूट पड़ते हैं कहेंगे भाई हम भी पीर से मोहब्बत करते हैं, तो साहबा ने अगर रसूल से ऐसी मोहब्बत कर ली तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कमाल तो यह है कि इमाम बुखारी उसी किताबुल वुज़ू में एक बाप कायम करते हैं और बाप का नाम रखते अल बुज़ाकी वल मुखाती व नहवी फी सौब, अपने बदन और कपड़ों पर थूक को मलना। ये बाप का नाम है और उसमें एक जो है अल अल बुज़ाकी वल मुखाती, बुज़ाक कहते हैं यहां मुराद उससे थूक है और मुखाती क्या है नाक की जो रुतुबत निकलती है रीत बोलते हैं जिसको, रीत हमारे नागपुर में उसको सेमुड़ बोलते हैं या क्या बोलते हैं बम्बई में सेमुड़ी बोलते हैं। और ये एक ऐसी शय है कि अगर बाप भी ऐसा जोर से खींचे और फेंके और बच्चे के कपड़े पे चला जाए तो बच्चा ये नहीं देखता कि अब्बा जान का नाराज हो तो अब्बा जरा देख कर ना क्या है ये कोई तरीका है क्या ये हाँ उसको देख कर फेंकना चाहिए ना, यानी उससे घिन आती है आदमी को नाक की जो रुतुबत नाक की जो वो होती है मतलब गंदगी लफ्ज नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि बात हम सरकार की कर रहे हैं रुतुबत जो नमी होती है उसको क्या करना अपने बदन और कपड़े पर मलना। और इसमें एक तवील हदीस लाते हैं जिनका नाम है लिखने हदीस के रावी हजरत उरवा और दो रावी इसके मसवर बिन मखमरा, ये दोनों उस जमाने में बाद में ईमान लाए, इसमें जो हजरत उरवा ये ईमान बाद में लाए ये पहले कुफ्र की हालत में थे।
और जब सुलह हुदैबिया का मौका था, सरकार उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, ख्वाब देखा आका ने कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। साहबा से कहा कि मैं उम्रे का इरादा रखता हूँ। जब मैं गफीर साहबा की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ उम्रे के लिए निकल पड़ी, मुशरिकीन ने एक रास्ते पर एक मकाम पर रोक लिया, कहा कि हम जाने नहीं देंगे आपको। तो आपने समझाया कि भाई हम जंग के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ उम्रा करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मक्के में दाखिल होने नहीं देंगे। बहस बड़ी, फिर बहुत तफसीली वाकयात है। अल मुख्तसर ये कि एक सुलह का मौका आया कि भाई एक सुलह कर लेते हैं, कुछ मुआहिदा कर लेते हैं। तो मुशरिकीन ने अपनी तरफ से उरवा को भेजा, भाई हमारे दरमियान में बड़ा काबिल शख्स यही है, पढ़ा लिखा यही है, समझदार यही है, ये जिन शरायत पे सुलह कर ले हम मुशरिकीन को भी मंजूर होगा। उरवा उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, मुशरिकीन का नुमाइंदा बन के आए थे। साथ में एक और शख्स था जिसका नाम था मसवर बिन मुखरमा। ये दोनों आए और उरवा बयान करते हैं, ईमान लाने के बाद बयान करते हैं कि जिस वक्त मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में गया सुलह के लिए, और जब मैं हुजूर की सोबत में जितनी देर बैठा, जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम गुफ्तगू के दौरान अपना लुआब भी दहने अकदस से बाहर खारिज करते थे, लुआब यानी थूक, और वो रीद भी खारिज करते थे। नतीजा क्या होता था, अब आइए उनके जुमले सुनिए। उरवा के कहते हैं, वमा तलखमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वकायत फी कफिन रजुल मिनहुम फदलाका बिहा वजहू व जिल्दहू। कहते मैंने बारहा देखा, बार बार देखा कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाके अकदस से उस रुतुबत को निकालते, वो जमीन पर गिर नहीं पाती, साहबा अपने हथेली पर लेते और अपने चेहरे और बदन पर मलने लगते। ये बुखारी शरीफ में हदीस है भाई साहब। अब बताइए वहाबी जी के नज़दीक तो कितने बड़े बिद्दती ठहरे साहबा इकराम, हद ही कर दी उन्होंने भाई, ये नाक की रुतुबत को भी चेहरे पर मल रहे हैं, बदन पर मल रहे हैं। और जिस साहबी को नहीं मिलती वो रुतुबत तो वो पीछे रह जाता, तो जिसके हाथ पे लग जाती वो उसके हाथ को मस करके अपने बदन पर मलता। तो ये मोहब्बत रसूल का आलम था, और इसको इमाम बुखारी के अलावा और भी मुहद्दिसी ने लिखा है, जैसे हज़रत इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक, इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है, अल मुसन्नफ उनकी हदीस की किताब हदीस नंबर 9720, इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी मुस्तद में लाया, हदीस नंबर 18928। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी असई में लिखा हदीस नंबर 4872। और भी मुहद्दिसी ने, मैंने चंद हवाले आपको तकरीबन 5 किताबों के हवाले यहाँ पेश किए, 4 किताबों के बुखारी समेत। तो ये मोहब्बत रसूल का सहाबा का अंदाज था, और सिर्फ यही नहीं था कि बस इसी काम में मशगूल रहते थे और इसी को मोहब्बत रसूल करार दे दिया गया था। आप और हम कहेंगे भाई ठीक है, हम भी होते तो हम भी इतनी तो मोहब्बत कर जाते। असल मोहब्बत तो ये थी कि वक्त आने पर जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। हम वक्त रसूलुल्लाह के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए आमद और तैयार रहा करते थे सहाबा इकराम। यहाँ तक कि गज़वा खंदक वाकई होती है, मुर्रखीन ने जिन जज्बात से इस वाक़े को लिखा है, वाक़या पढ़ते वक्त आदमी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, एक जज्बाती कैफियत बदन पर तारी हो जाती है। गज़वे खंदक क्या था, थोड़ा सा आप उसका पहले पस मंज़र समझे और हालात का जायज़ा लें। पहली जंग हुई इस्लाम में गज़वे बद्र, 313 सहाबा इकराम, 1000 या 1100 के करीब मुशरिकीन, अल्लाह ने अज़ीम शान फ़तेह दी, मुशरिकीनों को शिकस्त हुई। बदला लेने ओहद में आए, ओहद में भी मुँह की खा के गए, वक्ती तौर पर मुसलमान पर हावी हुए, बाद में फिर शिकस्त हुई। अब जब दो बार हार चुके और काफ़ी लोगों को ये मुशरिकीन गवा चुके, तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि कहा देखो अगर तनहा रसूलुल्लाह से और असाब से हम लड़ेंगे फना हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ऐसा किया जाए कि यहूदियों को भी साथ मिला लिया जाए, ईसाइयों से भी इसको भी साथ मिला लिया जाए। हालाँकि यहूदियों से रसूलुल्लाह का मुआहिदा था, मुआहिदा ये था खैबर और खंदक के यहूदियों से कि अगर तुम्हारा किसी दुश्मन से मुकाबला हो तो हम तुम्हारे दुश्मन का साथ नहीं देंगे, और अगर हमारा हमारे दुश्मन से मुकाबला हो तो तुम हमारे दुश्मन को सपोर्ट नहीं करोगे, ये मुआहिदा था। मगर यहूदियों ने और ईसाइयों ने दोनों ने अपने मुआहिदे तोड़ दिए, मुशरिकीन से मिल गए, और तीन कुव्वतें और तीन ताकतें यकजुट हो गई, और तीनों ने कहा कि हम तीनों का
एक मजमुई और मुत्तफिका तौर पर जो एक दुश्मन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दीन इस्लाम है। ये दीन से इस्लाम से हमको भी खतरा है, मोहम्मद से हमें भी खतरा है। लिहाजा बेहतर है कि हम तीन अलग अलग वक्तों में लड़ें और फना हो जाएं, तीनों मिलकर मोहम्मद और उनके दीन को ख़त्म कर दें। तीन ताकतें आई और मदीने पर हमलावार हुई। अब तादाद इनकी तीन गुना ज़्यादा थी, मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थे। हालात ये थे कि खुले मैदान में खुलकर सामने आके मुकाबला करना आसान नहीं था। अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया, मशवरा तलब फरमाया कि इन हालात में क्या करना चाहिए। अगर हम खुले मैदान में जाके लड़ते हैं जीतना मुश्किल है, इनकी तादाद हमसे ज़्यादा है, इंतकाम से भरे हुए हैं, जुनून और गुस्से के आलम में आए हैं, सख्त हमले करेंगे, क्या मशवरा है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम मदीने में ही रहें, मदीने में हिफाजत कैसी हो, अगर ये मदीने में घुसाएं तो बच्चों को भी कत्ल करेंगे, माल और असबाब लूटेंगे, खेतियां जला देंगे, आबादियां वीरान करेंगे, क्या करें। मशवरा होता रहा, सलमान फारसी ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी मैं जब फारस में रहा तो मैंने देखा कि जब दुश्मन हमला करता है और ताकत कम हो तो वहाँ के हुक्मरा वहाँ के बादशाह ये करते हैं, अपनी हिफाजत के लिए शहर के इर्द गिर्द खंदक खुदवा देते हैं, बड़ा सा गड़ा खोद देते हैं चारों तरफ, गड़े का फासला इतना होता है कि कोई घोड़ा दौड़ा के खंदक पार ना कर सके। खंदक में या तो पानी भर दिया जाता है कि कोई आए तो डूब के गिर पड़े और उस पर हमारी फौज टूट पड़े, या आग जला दी जाती है। सरकार ने उनका मशवरा पसंद किया और खंदक खोदी गई, इसलिए उसका नाम पड़ गया गजवा खंदक, खंदक वाली जंग, खंदक वाला गजवा। उसके बाद आका ने अपने मुनादी को बुलाया, कहा जाओ मदीने की गलियों में, सड़कों में, आबादी में जाके आवाज लगाओ कि ऐ लोगों, इस्लाम को फना करने के लिए दुश्मन जुट एकजुट हो गया है। तीन ताकतें आई है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम के तहफ़ के लिए अपनी जानों को पेश करो, अपने मालों को पेश करो, तुम में जो जवान है वो हथियारों से लैस होकर इस्लाम की बका और हिफाजत के लिए आ जाए, जो तुम में से ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, जो नहीं आ सकते, जंग नहीं लड़ सकते, वो अपने हथियार अपने जवानों को दे दें, लोग अपने बेटों को पेश करें, औरतें ख़वातीन अपना माल पेश करें ताकि उन माल से खाने पीने के असबाब खरीदे जा सके, उनसे हथियार खरीदे जा सके, जिससे जैसा हो सकता है वो इस्लाम की खातिर मदद करे। जब सरकार का मुनादी ऐलान करता है कि लोगों, इस्लाम की तहफ़ुज़ के लिए आज माल की ज़रूरत है, जान की ज़रूरत है, लोग अपने घरों से निकल पड़े, जवान हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं, बूढ़े ज़ईफ़ उम्र अपने हथियारों को लेकर, अपने नौजवान बेटों को लेकर हुज़ूर की खिदमत में आते हैं, सरकार ये मेरे दो बेटे हैं ये जिहाद के लिए हाजिर है, सरकार ये मेरे हथियार हैं, ये ज़ेर बख्तर हैं, ये तलवारें हैं, ये नेज़े हैं, हुजूर मैं कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ, ज़ईफ़ुल उम्र हूँ, अब जंग नहीं कर सकता, जंग में लड़ नहीं सकता, हुजूर मेरी तरफ से ये हथियार है, ये असलाह है, आप जिसको चाहें ये अता फरमा दे। सरकार सबको दुआ फरमाते हैं, यहाँ तक के ख़वातीन आती है, औरतें आती हैं, वो अपने जेवरात दे रही है, सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, माल का जो कुछ दिया जा रहा है, हथियार जो कुछ दिए जा रहे हैं, उसका एक ढेर लगता जा रहा है। सरकार के निगाहों के सामने दो ढेर लगे, एक माल का ढेर है और एक हथियारों का ढेर है। हुजूर जो भी कोई देता है सबको दुआ फरमाते हैं। सहाबा इकराम खड़े हुए हैं हुजूर के साथ, तभी निगाह देखती है कि एक जवा साला खातून, जवान औरत है, सफ़ेद लिबास में मलबूस है, चेहरे से अपने दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए हैं, सीने से कोई चीज़ चिमटाए हुए और छुपाए हुए बड़ी आहिस्तगी के साथ चली आ रही है। वो खातून आती है, लोगों ने ख्याल किया कि बहुत कीमती चीज़ लाई है, कोई जेवरात है, कोई सोने के जेवर होंगे, कोई सोने की अशिया होंगी, कीमती है, इसलिए बड़ी हिफाजत के लिए सीने से चिमटा के बड़ी हिफाजत से ला रही है। सरकार की खिदमत में हाजिर हुई और जब अपने सीने अकदस से कपड़ा हटाया, जिस चीज़ को छुपाई थी लोगों ने देखा, वो चीज़ कुछ माल और दौलत नहीं थी, सोना नहीं था, बल्कि एक दूध पीता बच्चा था। और हुजूर की तरह वो बच्चे को आगे बढ़ा के अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी मेरे शोहर गजवे बद्र में शहीद हो गए, ओहद में मेरे वालिद शहीद हुए, मेरे भाई शहीद हो गए, अल्लाह के नबी मेरे घर में अब कोई ऐसा मर्द नहीं कि जो अल्लाह की राह में निकल सके, काश मेरे घर में कोई मर्द होता तो आज इस्लाम की खातिर काम आता। अंदाज़ा लगाइए खातून के जज्बे को आप देखें, जिसका बाप शहीद हो चुका हो, जिसका शोहर शहीद हो चुका हो, जिसके भाई शहीद हो चुके हो, ऐसे मौके पे तो जज्बात ये होते हैं कि भाई सारा घर तो तबाह हो गया, इस्लाम ने हमें दिया है तो क्या दिया सिवाय तबाही के और मुफलिसी और गरीबी के। उस आलम में भी उसके जज्बात ये कि काश मेरे घर में कोई मर्द होता तो मैं इस्लाम की खातिर उसको पेश करती।
मगर अफसोस कि आज मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाह के नबी, मर्द के नाम पे सिर्फ एक बच्चा है। जिस वक्त मेरे शोहर गजवे के लिए ओहद के लिए निकले, उस वक्त मैं हामला थी और ये बच्चा तवलूद हुआ है, ये शीरखार दूध पीता बच्चा है। अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे को जिहाद के लिए आपकी बारगाह में नजर करती हूँ। सरकार, इस बच्चे को ले जाएं जिहाद पर। आका ने जब इस कैफियत को देखा, सहाबा ने देखा, आंखों में आंसू के धारे बहने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, हाथों को उठाया, दुआ दी उस खातून के लिए, कहा कि मेरी शहजादी है, मेरी बेटी, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस बच्चे को ले जाओ, ये दूध पीता बच्चा है, ये अभी उस काम का नहीं कि जिहाद में ले जाया जाए, ये तलवार उठा नहीं सकता, ये तीरों कमान संभाल नहीं सकता, ये जेरे बख्तर अपने सीने पे जेबे तन नहीं कर सकता, दुश्मन के तीर आए ये तीरों से अपने आप को बचा नहीं सकता, दुश्मन इस पे वार करे ये उन वारों को रोक नहीं सकता, ये शीरखार दूध पीता बच्चा है, इसे ले जाओ, इसे परवान चढ़ाओ, इसे तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता करो, बहादुर बनाओ, इस्लाम के जज्बात इसके अंदर रासिक करो, और जब ये जवान हो जाएं, मजबूत और बाहों का मालिक और कवि हो जाएं, अल्लाह ने चाहा तो फिर और मौके आएंगे, फिर जिहाद के लिए इसको पेश करना। फिलहाल अभी इसे ले जाओ, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और तुम्हारे हक में अल्लाह के लिए दुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। जब सरकार ने इनकार फरमाया, उसको जाने के लिए कहा, तो रोने लगी खातून और रोते हुए कहती, अल्लाह के नबी, ये आपने क्या फरमा दिया मेरे आका, आप मेरे बेटे को कबूल नहीं कर रहे हो, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया जा रहा है, इस लायक नहीं समझा जा रहा है, मैं मानती और कबूल करती हूँ कि बच्चा क्वाकी काफ़ी छोटा है, ये शीरखार दूध पीता बच्चा है, चंद रोज हुए हैं इसे पैदा हुए, अभी इसे एक माह भी नहीं गुजरा इसकी पैदाइश को, एक माह का भी मुकम्मल नहीं हुआ, चंद रोज हुए कि यह अभी दुनिया में आया है। अल्लाह के नबी, मैं मानती हूँ कि यह तलवार नहीं चला सकता, अल्लाह के नबी, ये दुश्मन से अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, मगर सरकार इसको इतना नाकारा ना समझे, इसको इतना बेकार ना समझे, इस बच्चे में अल्लाह अल्लाह के रसूल बड़ी एक अच्छी खूबी है और बहुत उम्दा खूबी है जो दिगर बच्चों में नहीं। सरकार, इसमें खूबी यह है कि जो भी इसके गालों को बोसा देता है, ये उसके सीने से चिमट जाता है। अल्लाह के नबी, इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं और जब चारों तरफ से दुश्मन आपकी तरफ तीर बरसाएं, तो आप इस मेरे बच्चे के रुखसार पर बोसा देना, यह आपके सीने से चिमट जाएगा और दुश्मन के तीर अपनी पीठ पर ले लेंगे और आपका सीना महफूज हो जाएगा। अल्लाह के नबी, मैं इस खातिर इस बच्चे को लाई हूं। अंदाजा लगाइए, तारीख क्या ऐसी मिसाल पेश कर सकती है कि अपने किसी रहनुमा, अपने किसी रहबर पर अपने दूध पीछे बच्चे भी लोग कुर्बान करने के लिए लाए हो। तनकीद करना आसान है, कमरे में बैठ के बोलना आसान है कि मोहम्मद डिक्टेटर थे, मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ऐसे थे, ये वो लोग बकवासात करते, दर हकीकत जिन्होंने इस्लाम की तारीख को पढ़ा ही नहीं है और पढ़कर भी वो छुपाते, इसलिए कि उनकी अपनी तारीख में ऐसा उनको कुछ मिलता नहीं है। समझ रहे हैं ना, जब उनकी अपनी तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलती तो वो मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी तारीख तो इससे मतलब खाली है। यही वजह है कि हर वक्त हम खतरे में जी रहे हैं, इतने खतरे में हम लोग जी रहे हैं, हमारा धर्म, हमारा मजहब इस कदर खतरे के साए में पल रहा है कि जो भी इस्लाम पढ़ता वो इस्लाम का हो जाता है, तो कोई इस्लाम पढ़े नहीं, कोई मोहम्मद की सीरत जाने नहीं, तो इतना प्रोपेगंडा करो कि लोग इस्लाम की तरफ जाने से ही रुक जाए। तो ये प्रोपेगंडा की मुहिम है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम में कि ये अल्लाह जो है, ये अल्लाह का दीन क्या ये दुश्मन और मुशरिकीन चाहते हैं चंद फूकों से बुझा देंगे? अल्लाह ने तय कर रखा है कि इसको पूरे आलम में रोशन फरमाएगा। ये आयत का मफहूम है। तो दीन तो फैलेगा और कयामत के वक्त सिवाय इस्लाम के कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा। और याद रखिए, इस्लाम की खासियत है उस गुलाब के पौधे की तरह है कि जिसको जितना तराशोंगे अगली बार उतनी ही शाखें उसमें फिर फूटती है, उतना ही वो हरा भरा होता है, जितना काटना चाहोगे उतना हरा भरा होगा। और तारीख गवाह है कि जब जब इस्लाम को फना करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें उठी है, ये आज की ताकत कोई हैसियत नहीं रखती, ये तो सिर्फ मुंह से बोलना जानते, ऐसी ऐसी ताकतें भी इस्लाम को फना करने के लिए उठी। हलाकू नाम की ताकत का नाम सुनाऊंगा आपने, चंगेज खान जैसों का नाम सुनाऊंगा आपने, एक जमाने में नमरूद और फिरौन जैसे भी गुजरे हैं, नामो निशान मिट गए, आज म्यूजियमों में इबरत का निशान बन गए, आज तमाशा बन गए, वो फिरौन
तरह नमरूद जिनकी बारगाह और इनके दरबार में खड़े होने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, जिनके दरगाह दरबारों में बोलने की इंसान जुरत नहीं करता था, आज वो नमरूद का तमाशा ऐसा है, लाश रखी हुई और टिकट खरीद के लोग जाके उसका तमाशा देख कर आते हैं। ये ऐसे तमाशे बन गए, तो इंशाल्लाह ये भी तमाशे बन जाएंगे। इस्लाम तो वो है कि जो अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने इसको पसंद कर लिया है, इन दीना इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो उससे भी इस्लाम है। जब उसके नज़दीक इस्लाम ही दीन है तो कोई फना नहीं होगा। याद रखिए ऐसी चीज़ तो होता नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि हमारे कल्ब को ठेस पहुँचती है, लोग हमारे दिलों को दुखाते हैं और ये उनका शेवा है, उनका मज़हब ही ये सिखाता है। हमारा मज़हब तो ये कहता है कि किसी के माबूदों को बुरा मत बोलो, क्यों पलट कर कहीं वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा ना कहें। हम तो दूसरों को भी नहीं कहते, हमारा दीन तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारी जिम्मेदारी तो इतना है कि हम अच्छाई की बातें हिकमत के साथ तुम तक पहुंचा दे। अब कबूल करना नहीं करना तुम्हारा काम है। हमारे यहाँ तो ये है कि हर खिताब के बाद खतीब सूरह यासीन की ये आयत तिलावत करके इख्तिताम करता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम पहुंचा देना था, बस हमने पहुंचा दिया। अब मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते, हमारा दीन ज़बरदस्ती वाला नहीं है, शिद्दत और तासुब वाला नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हम पर टारगेट किया जाता है। मगर इस टारगेट से क्या होता है, मुझे आज तक एक मुसलमान, खुदा की कसम मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूँ, एक मुसलमान आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझसे कहा फारूक साहब कहने वाले ने कहा कि रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया, मैं तो हुजूर की सीरत सुन के बज़न हो गया। एक मुसलमान नहीं मिला। हम कहते ऐसी बकवासात से रसूल की सीरत पर कोई हर्फ नहीं पड़ता। क्यों? हमारा नबी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह नहीं करता। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील मकसद नहीं होती, वो तो तालीम के लिए होता है। हमारा नबी उस वक्त तक कोई काम करता ही नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म होता नहीं, और अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत होती है। बगैर हिकमत के अल्लाह कोई हुक्म अपने महबूब को देता ही नहीं। तो अगर किसी 6 साल की बच्ची से आका ने निकाह भी किया तो उसमें हिकमत पोशीदा है, उसके पीछे सिर्फ हर वक्त जो है वो शहवत नहीं होती। जिनकी सोच ही शहवत वाली हो वही सोचते रहते हैं, वो दर हकीकत अपनी सोच की अक्कासी करते हैं। और ये एक अजीब बात है कि वो बोलना जानते सुनना नहीं जानते, वरना बोलने में तो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं है। फसाहत तो हमारे यहाँ है, बलागत तो हमारे यहाँ है, खतीब तो हमारे यहाँ पैदा होते हैं, खिताबत तो हमारे यहाँ, हम है ही अरब और तुम हो अजमी। अगरचे हम अजमी हैं लेकिन अरब से वाबस्ता हो गए तो अल्लाह ने उनके सदके में हमें भी फसाहत और बलागत दे दी है। खिताबत हमारे घर की लौंडी है, तुम हमसे अच्छा क्या बोलोगे। मगर तकलीफ तो तुम्हें यह है कि तुम बोलना जानते हो सुनना नहीं जानते। सुनने का भी हौसला पैदा करो तो फिर हम कुछ बोलें। पढ़ते तो हम भी है, मनुस्मृति हमने भी पढ़ा है, रामायण हम भी पढ़ते हैं, महाभारत हम भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए तो संस्कृत हमें नहीं आती, हिंदी हम नहीं जानते, मराठी हम नहीं बोल सकते। बोलना हम भी जानते। जब हमने बाहर की जबान अरबी सीख लिया तो तुम्हारी अपनी जबान सीखने में कौन सी प्रॉब्लम है। अरबी जैसी जबान हमने सीख लिया जो इतनी दुश्वार है, जो फरिश्तों की जबान है, हम फरिश्तों की जबान सीख गए तो तुम इंसानों की जबान नहीं सीख सकेंगे। सीखे नहीं, बोलना भी जानते मगर तुम सुनना नहीं चाहते। तो बहरहाल छोड़िए उनका क्या तस्करा करें, लेकिन अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत का क्या आलम था। ये था इस्लाम, इन सबबों से, इन जज्बात की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। तो इस्लाम कुर्बानियों से, नबी की मोहब्बत की वजह से फैला है। और एक मकाम पर मैं एक और सहाबी का तस्करा करना चाहता हूँ, हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्रा रज़ियल्लाहु ताला जलील कदर सहाबी है, अशर मुबशरा में कितनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से। सरकार ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। गज़वा उहद के अंदर हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्रा शामिल है और इस्लाम को मिटाने के लिए मध्य मुकाबिल में इनका बाप जर्रा आता है। ये हज़रत अबू उबैदा, उनका बाप जर्रा बहुत कवि